हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड, ब्रेकिंग न्यूज़ इन द सेंस मल्टीपल शेयर से रिलेटेड। और आज जो मार्केट में हुआ है, गिरावट तो ऑब्वियसली बात है हुई है, मार्केट में एक्सपायरी थी, दिस इज़ द रीज़न। और कल की डेट में मार्केट में छुट्टी भी है, कल मार्केट बंद रहेगा। तो किन शेयरों की तरफ, मतलब हमने ऑलरेडी बताया था और वो होता हुआ हमें नज़र भी आया, और हम बात करेंगे अब आगे के बारे में। तो आपको बताना चाहता हूँ, हम सबसे पहले कि आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। बाकी कल की डेट में काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली गई थी, अगर आपने आज देखी कल देखी होगी वीडियोज़, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो आइए एक एक करके हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, बात करते हैं शेयर से रिलेटेड। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड, देखिए आज की डेट में अगर इसका प्राइस देखते हैं तो 3.95, ये लगभग लगभग 10% के सर्किट से अभी ये चलना शुरू हो गया। और मैंने आपको ये शेयर लगभग लगभग 3 रुपये के आसपास जब ये चल रहा था यहाँ पर आपको बताया था, और आपको बता के मैंने बताया था कि ये शेयर अच्छा खासा पोटेंशियल है इसमें। और कुछ रीज़न की वजह से, देखिए पैनी स्टॉक नहीं और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, बट अगर हम देखते हैं तो कुछ इसमें अच्छी खासी बात भी है। और 3 सेशन में अगर बात करें 30% के रिटर्न मिल चुके हैं, मैंने भी अभी ही बाय किया था। और मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 221 लोगों ने देखा भी था हमारा चैनल, 7 मई को ही इसकी बातें हुई थी, हमने एक बात करी थी। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3.05 रुपये पे ये शेयर चल रहा था, और मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करके बताया था, इसके कुछ फाइनेंशियल्स दिखाए थे इसके ऊपर, मैंने बताया था मैंने कोई किसी, मतलब हमने कोई इसी चीज़ को रिलेट करके या 3 रुपये का स्टॉक है इस तरीके से देख के नहीं, हमने फाइनेंशियल्स देखे थे कि कंपनी किस तरीके से अपने डेट कम कर रही है। और अगर आप आगे की तरफ जाओगे, वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को लिंक ऊपर दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। बाकी आज की डेट में ये अपर सर्किट में ये 2 दिन से चल रहा है, और मुझे लगता, और मैंने आपको बता दिया है कि 6 या 9 रुपये तक ये पहुंचे शेयर, तो आप निकल जाना। क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी थी कब निकलना है, तो ज़्यादा की लालच में मत पड़ना, जो आ रहा है चुपचाप निकल के निकल जाना। इसके अलावा देखिए एक न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है, तो इस वजह से यहाँ पर आज शेयर भागते हुए नजर आए हैं। एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अमरा राजा बैटरी यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर टाटा केमिकल्स भी भागता हुआ नजर आया है। तो न्यूज क्या है, तो न्यूज की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव मिलने जा रहा है, किसे 18,100 करोड़ रुपए का यहाँ पर बैटरी स्टोरेज के लिए, मतलब जो कंपनीज प्लांट लगाएगी और बैटरीज बनाएगी, क्योंकि आपको पता ही आगे चल के ईवी आने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसके लिए जो भी कंपनी काम करती हुई नजर आएगी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब 4-6% का यहाँ पर इंसेंटिव आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस वजह से यहाँ पर ये 3-4 स्टॉक्स है जो सबसे अच्छे लगते हैं, एक्साइड इंडस्ट्री, उसके बाद बात की जाए सबसे अच्छा स्टॉक बैटरी में हमारा राजा लगता है, बट टाटा केमिकल अलग से प्लांट बनाएगी, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। और मैंने ये देखिए टाटा केमिकल्स का जब स्टॉक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर 1 मिनट मुझे दे दीजिए, देखिए लगभग 697 रुपीज़ पर ये शेयर चल रहा था यहाँ पर कब, 5th मई को। और मैंने आपको बताया था कि ये गिरावट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, इनके रिजल्ट रियल में ही काफ़ी अच्छे आए थे, इनका एक बिजनेस सेपरेट हुआ था जिस वजह से इनके कुछ प्रोडक्ट FMCG के थे जो इधर दे दिए थे, इस वजह से इन इधर गैप दिखाई दिया था इनकी अर्निंग पे, इनके रिजल्ट पे, इनके प्रॉफिट पे, इस यही रीज़न था, बाकी और कुछ रीज़न नहीं था। और मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी है, गिरावट हो खरीदते जाना, उसके बाद थोड़ा सा और गिरा था। उसके बाद आज की डेट में अगर हम देखते हैं टाटा केमिकल, तो टाटा केमिकल 722 रुपीज़ पे, और इसके अलावा खबर आ रही है अलग अलग, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी फायदा इससे मिलेगा। बाकी बात करें अमरा राजा बैटरी, तो अमरा राजा बैटरी के ऊपर भी अगर मैं बात करूँ तो 3-4 दिन पहले ही यहाँ पर वीडियो हमने बनाई थी, और मैंने आपको बताया भी था कि अमरा इसे खरीदने का एक अच्छा मौका आ गया है, इसे आप खरीद लीजिए 787 या फिर मेरी ख्याल से 776 रुपीज़ पर, मैंने बताया था अपने एक दो दोस्तों को ही बताया था। और आज की डेट में ये शेयर भागता हुआ नजर आया, ये देखिए ये ओरिजिनल नहीं है, आज की डेट में 800 प्लस पर ये शेयर प्राइस जा चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये बैटरी के मामले में एक्साइड से सबसे अच्छी नजर आती है, तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ की बात करें, वेंकीज़ देखिए 20% का आपकी सर्किट 5 दिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा इसने रिटर्न देती हुई नज़र आई है, बट अभी ऐसे सर्किट में आपको नहीं खरीदना वरना आप फंसे रह सकते हैं। एक रैली थी, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत और हो जाए रैली कोई बात नहीं, बट इतने मतलब इस अच्छे रिजल्ट आए थे
नो डाउट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस नेगेटिव से प्रॉफिट में भी आ गया था। ये सारे हमने बताए भी थे, अपने यहाँ पर रिजल्ट बताया था और मैंने आपको बताया था कि इसकी तरफ ध्यान दीजिए, वैंकी की तरफ। वैंकी आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दे सकता है यहाँ पर। ओके, तीन चार दिन पहले इसके रिजल्ट आए थे तो देखिए अच्छा खासा रिजल्ट आए तो उसका जो प्रॉफिट था आपको देख सकते हैं अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नज़र आ चुका है। बट अभी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना क्योंकि इतना भी अच्छे रिजल्ट, अगर सिक्वेंशियली रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर गिरावट भी हुई है। तो यहाँ पर गिरावट में आपको मिलता है ओके, यहाँ पर 1600-1700 पे मिलता है शेयर, तब आप धीरे धीरे SIP मोड पे यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक साथ पैसा लमसम यहाँ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एडवाइस देना डेफिनेटली चाहूँगा। इसके अलावा और बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर बात करें यहाँ पर शेयर अच्छा खासा पहले गिरावट हुई, अगर हम 6 महीने की बात करते हैं टॉप पर गया, फिर अच्छा खासा गिरावट हुआ 293 इसी रेंज पे घूमता रहा और आज की डेट में देखिए दोबारा उसी लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या रीजन है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो JLR की जो इनकी सेल्स है ओके, यहाँ पर 12.4% यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है Q4 में, एज वेल एज US की सेल की बात करें तो केवल 10% यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है। तो दिस इज द रीजन कि टाटा मोटर्स यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स से रिलेटेड और मारुति सुजुकी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये अपने कस्टमर्स को जून तक के लिए ओके फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी में यहाँ पर कल ही आपको बताया था और आज की डेट में दोनों ही शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 682 रुपीज़ पे मैंने ये शेयर पे आपको वीडियो बनाया था और क्यों बनाया था, देखिए एक अगर बात करें 27th ऑफ फेब को, तो जब ये स्टॉक नीचे आते हैं ना बिल्कुल तब खरीदने में मजा आता है और तभी इसका फायदा होता है। अब बात करें फरवरी में मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में खरीदा था इसी बाइंग प्राइस पे और आपको बताना चाहता हूँ 2 से 3 महीने कुछ नहीं हुआ उसी रेंज पे गया, कल की डेट तक मुझे ऐसा लग रहा था अब निकल जाना चाहिए ये यहाँ पर हो गया, बट अगर आज की डेट में देखे तो आज की डेट में आज ये शेयर 21% भागा और मैं 885 पे मैं यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। 892 तक ये शेयर भागता हुआ नजर आया था अगर आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ देखिए 892 तक भागता हुआ नजर आया था, 85 पे मैं एग्जिट कर लिया। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इतने खास नहीं थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे थे बट क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर कुछ खास नहीं थे। यहाँ पर कल मैंने यहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी इससे रिजल्ट के रिलेटेड, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पर गिरावट थी तो रिजल्ट की वजह से ये शेयर नहीं भागा। अगर सोचे रिजल्ट के वजह से भागा है तो रिजल्ट की वजह से भागना होता तो ये शेयर भागता किसकी इससे पहले तो फिर HUL भागता, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों पे ही अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे थे बट वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये भागता हुआ नजर आ रहा था। इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे एक ही रीजन है, यहां पर न्यूज, केवल एक न्यूज आई उसकी वजह से। तो यहां पर आप अगर देखते हैं तो सुधीर सीतापति अपॉइंटेड एज MD एंड CEO, मतलब यहां पर MD और CEO यहां पर अक्टूबर से ये चार्ज लेते हुए नजर आएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये कौन थे, तो ये ऑलरेडी हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर चुके हैं और ये अब यहां के CEO बनते हुए नजर आएंगे। अभी तक इन्हीं की ग्रुप की गोदरेज के जो फैमिली मेंबर थे कोई फीमेल थी वो ही यहां पर CEO बनती हुई नजर आई थी जब के लास्ट CEO ने रिजाइन दिया था। तो अगर बात करें इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर ये जंप नज़र आई है, बट थोड़ी बहुत जंप शायद और हो सकती है बट मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि यहाँ पर अब कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। तो हम वेट करेंगे एक बार नए CEO आ जाए अच्छे खासे रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट इतने खास क्वार्टरली बेसिस पे नहीं है, ईयरली बेसिस पे तो हर एक कंपनी ने रिजल्ट अच्छे खासे पेश करी है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करिए ओके, ऊपर लेवल पर बिल्कुल मत खरीदिए वरना फिर दोबारा आप फंसते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की, तो देखिए कल की डेट में एक और वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए थे हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अगर एक मिनट दीजिए मुझे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट। तो कल की डेट में मैंने बताया था न्यू लिस्टिंग इन NSE बी रेडी फॉर अपर सर्किट, मतलब मैंने आपको ये बता दिया था ऑलरेडी कि एक न्यू लिस्टिंग होने वाली है। तो अगर बात करें तो ये न्यू लिस्टिंग हुई भी और ये 3138 रुपीज़ तक, ये 35 रुपीज़ तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया, फिर भी अगर बात करें 5% का अच्छा खासा यहाँ पर जंप आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक भी मिल जाएगा, बाकी कल की डेट में ही यहाँ पर
वीडियो बनाई गई थी। इसके अलावा और बात करें तो कैडिला हेल्थ केयर, देखिए कैडिला हेल्थ केयर सीधे डेली के डेली अगर 6 महीने के चार्ट पैटर्न दिखाते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट है। इस प्राइस के बाद से यहाँ पर कंपनी ने इतने अच्छे खासे मतलब 54% से भी ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर कंपनी देती हुई नजर आई है। तो इससे रिलेटेड क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी वीडियो बनाया था और कब बनाया था, 2 महीने पहले ही बनाया था, मार्च को बनाया था, 4th ऑफ मार्च को, अप्रैल मई, ओके मतलब 1.5 महीना हुआ है और ये शेयर ने अच्छी खासी, क्यों, क्योंकि ये बॉटम पे आ गया था। मैंने आपको समझाया था कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको, बॉटम पे ये शेयर मिल रहे हैं आपको, नीचे लेवल पर मिल रहे हैं, फिर आपको ये शेयर नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था और आपको बताया था कि बॉटम में किस तरीके से आपको मछली पकड़नी है अच्छे लेवल पर। आप वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि आपको वो शेयर हमेशा उसकी फाइन वैल्यू पर खरीदना चाहिए। पहली बात तो देखिए कंपनी ब्रांड वैल्यू देखिए, इसके बाद देखिए इसका प्राइस आपको अच्छे पर देखिए। कैडिला हेल्थ केयर ऑलरेडी यहाँ पर वैक्सीन एज वेल एज बहुत सारी मेडिसिन बनाती हुई नज़र आ रही है जो कि कोविड से रिलेटेड है, तो एक फ़ायदा। दूसरी फ़ायदा कि इसकी प्राइस नीचे आ गया, तो जब इस ऐसी चीज़ों का फ़ायदा ब्रांड प्लस में वैल्यू दोनों एक साथ मिल जाए ना तब खरीद लेना चाहिए। तो मेरे साथ ये गलती हो गई थी, मैं नहीं खरीद पाया ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका में यहाँ पर इन्वेस्टेड था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोई इशू नहीं है, बट मैंने आपको वीडियो बना के आपको बताया था मैंने नहीं खरीदा, कोई इशू नहीं है, बट मुझे जो फॉलो करते हैं, मुझे जो सब्सक्राइबर है उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया था, 450 के आसपास वीडियो बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे गिरा था और मैंने आपको सीधा बोला था यहाँ पर खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी बल्कि हेल्प ले लीजिए, ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न आपको देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो हम बनाते रहते हैं और इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आगे और भी वीडियो आने वाली है। आज की डेट में ही मैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको बताऊँगा जो नीचे लेवल पर खरीदने का आपको मौका मिल रहा है। 2 दिन पहले भी वीडियो शायद मैंने बनाई थी, दोबारा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें कुछ और स्टॉक ऐड करने वाला हूँ जो आपको बहुत फाइन वैल्यू पे मिल सकते हैं, और मैं SIP मोड पे पैसा लगा दीजिए अच्छा खासा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प लीजिए तो आपको पता चल जाएगी कि उनकी वैल्यू क्या है। उसमें केवल विन विन सिचुएशन है, अगर और गिरते हैं तो और खरीद लीजिए, अदरवाइज उन्हें एक्यूमुलेट कर लीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा और मार्केट में 30-40% 50% पैसा कमाना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चलोगे। और इससे रिलेटेड देखिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज हमने यहाँ पर बना रखी है, आप अगर पर देखेंगे कि हाउ टू मेक 800 करोड़ फ्रॉम 1 लाख, तो इसी चीज से रिलेटेड ये वीडियो है। आप यहां पर देखेंगे बाय स्टॉक फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर बाइंग, तो इसे भी देखेंगे आपको पता चलेगा। तो यहां पर वीडियोस को देखना शुरू करिए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, आपको एक मार्केट का स्टडी किस तरीके से करते हैं ओके। मैंने अपनी जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने यहां पर सब चीज बातें कर रखी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, आपको क्या क्या चीज पसंद आई इस वीडियो में तो नीचे कमेंट में भी आप हमें बता दीजिए। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर नए आए हैं तो बेल आइकन को बीट करें और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए ताकि इस तरीके से हम एक फैमिली बना के आगे एक साथ बढ़ सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।